100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है टॉप 24 का। देश में कोरोना का कहर जारी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,000 के पार, 3,300 लोगों की मौत। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 5,611 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 140 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर ने पेश किया आंकड़ा। भारत में अब तक 25,12,388 कोरोना टेस्ट। तेजी से बढ़ रहा अम्फान तूफान। अम्फान चक्रवात की रफ्तार हुई तेज। केंद्र में 200 किलोमीटर पर आवर पहुंची रफ्तार। अम्फान तूफान की वजह से उड़ीसा में करीब 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया बाहर। पश्चिम बंगाल में भी करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से किया गया शिफ्ट। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए बुकिंग होगी ऑनलाइन। बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद। बसों को लेकर कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी को घेरा, कहा ये कैसा क्रूर मजाक। प्रवासी मजदूरों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भड़की बसपा मुखिया मायावती। मजदूरों के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी और कांग्रेस। टिकट लेकर मजदूरों को घर भेज रही कांग्रेस। यूपी में ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोलने की इजाजत देने से हाईकोर्ट का इनकार। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। मरने वालों की तादाद 3,24,000 से ज्यादा। संक्रमितों की संख्या 49,88,831 तक पहुंची। 19,59,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। कोरोना से 90,000 मौत के बाद बोले ट्रंप, अधिक पॉजिटिव केस गर्व की बात। कहा इससे पता चलता है अमेरिका में हुए अधिक कोरोना टेस्ट। नए नक्शे को मंजूरी देकर नेपाल ने भारत के साथ खड़ा किया विवाद। नेपाली पीएम बोले लिपुलेख काला पानी को करेंगे हासिल। चीन का बड़ा दावा। चीन ने कहा ढूंढ लिया कोरोना का इलाज, वैक्सीन नहीं दवा से होगा कोरोना का इलाज। कश्मीर पर बोला तालिबान, कश्मीर को बताया भारत का आंतरिक मामला, कहा हम दूसरे देशों के मसलों में दखल नहीं देते। विदेशी कंपनियों के देश छोड़ने पर भड़का ड्रैगन, कहा चीन का विकल्प नहीं बन सकता भारत। चीन पर भड़का ताइवान, ताइवान राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा एक देश दो सिस्टम नहीं चलेगा। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बड़ा फैसला, कंपनी अमेरिका और कनाडा में नहीं बेचेगी बेबी पाउडर, दोनों देशों में बेबी पाउडर की बिक्री पर लगाई गई रोक। चीनी कंपनी पर सख्त हुई अमेरिकी सरकार। अमेरिकी सरकार ने हुआवे इंडिया पर भी लगाया बैन, अब अमेरिका निर्यात नहीं कर पाएगा हुआवे इंडिया। पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। पाक में 24 घंटे में कोरोना के 1932 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 28 लोगों की मौत। लद्दाख सिक्किम सीमा पर बड़ा तनाव। सीमा पर आक्रामक हुए चीनी सैनिक। भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। भारतीय बाजार में आई तेजी। निफ्टी 9,000 के पार। सेंसेक्स में आया 600 अंक उछाल। कोरोना कहर के बीच पूरी दुनिया में भारतीय कटहल की बढ़ी मांग। नॉनवेज खाने वाले देशों में कटहल की मांग बढ़ी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने नवाज पर लगाया आरोप, कहा नवाज का परिवार उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर करता था टॉर्चर। लॉकडाउन में फंसे सलमान को ईद से पहले हुआ अपने चांद का दीदार। सलमान ने बांद्रा आकर माता पिता से की मुलाकात। फिलहाल मेरे साथ टॉप 24 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।